तो संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका और कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार सुरक्षा चूक में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और इस मुद्दे पर गृहमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। विपक्ष ने गांधी प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन किया और सरकार पर आरोप लगाया कि वो निलंबन के जरिए विपक्षी सांसदों की आवाज को दबा रही है। संख्या 181 लोकसभा में हंगामा, राज्यसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा, कर्नाटक में किस प्रकार से इनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के, संसद की सुरक्षा में चूक और 14 सांसदों के निलंबन के मसले पर आज फिर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। स्पीकर की अपील धरी की धरी रह गई, विपक्षी पार्टियां अपनी मांग पर अड़ी रही। बाकी कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई। विपक्षी नेताओं ने सवाल दागा कि आखिर गृह मंत्री सदन में बयान देने से बच क्यों रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद लोकसभा में बुधवार को हुए स्मोक अटैक के आरोपियों के तार विपक्ष से ही जोड़ने लगे। सदन में सत्ता पक्ष के रवैये से नाराज विपक्षी सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आए, बापू से सत्ता की शिकायत करने लगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि सरकार दिखाए कि इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि संसद के अंदर लोग घुस जाएं और गृह मंत्री, जो देश की सुरक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारी है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। एक्चुअली वो कह रहा है, लेकिन बाहर कह रहा है, माध्यमों से कह रहे हैं। जब भी कोई भी गृह मंत्री या संबंधित मंत्री जवाब देंगे तो तथ्यों पर आधारित देंगे। इतने जल्दी इतनी बड़ी घटना की जांच नहीं होती है। डीजी CRPF को सारे प्रकरण की जांच करने को दी गई है। जब वो जांच आ जाएगी तब एक पूरा कायदे का बयान फुल दिया जाएगा। इस देश में क्या वो क्या रहा है, अमित शाह का फेलियर का कौन बचा रहा है? अमित शाह का फेलियर है, ये डायरेक्ट फेलियर है। और अमित शाह का बचाने के लिए ये सारे कोशिश और अमित शाह का घमंड इस सरकार का डुबा के रही है। मुझे तो माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी की बात याद आती है, जो कहा करते थे कि प्रोटेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और कभी कभार प्रोटेस्ट करके सदन रोक कर लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। उनके शब्द हैं, उन्होंने जो मार्गदर्शन हम सबको दिया, हम तो उनके दिखाए गए मार्ग पे चल रहे हैं। ये तो पूरी तरह से दिख रहा है कि इसमें कांग्रेस की, TMC की, ये जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस के लोग हैं, इनकी संलिप्तता है। ऐसी स्थिति में जांच हो रही है, जांच के पहले इतना हल्ला गुल्ला सर पर उठा लेने की क्या आवश्यकता है? ये रक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, ओम बिरला जी ने स्टेटमेंट दिया, प्रहलाद जोशी जी ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सांसद के हाउस के अंदर में जो ये लोग कर रहे थे, जो हल्ला बोल कर रहे थे, ये उचित नहीं है। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, सब लोग एक साथ होके फ्यूचर में ऐसा कभी भी ना हो, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में नहीं आएंगे और बयान नहीं देंगे तो दोनों सदन का चलना, मैं समझता हूं, संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अभी 4 दिन बाकी है। खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सभी इंडिया पार्टी के फ्लोर लीडर के ओर से उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को अवगत कराया है कि ये मांग है हमारी, गृहमंत्री आए सदन में बयान दें, जो सवाल उठेंगे उसका जवाब भी दे सकते हैं और उसके बाद सदन की कार्यवाही चलेगी। आज जो कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है उसको शर्म आना चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए, और इस तरह की घटनाओं को आगे बढ़ाकर जो है वो अपना कब्र खोद रहा है।